सो हम स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. तो जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हैं उसमें देखिए, पहली चीज़, क्या वाकई दो मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्या लैब में हम इसको दिखा सकते हैं? आंसर है यस, इसको दिखाया गया. तो सबसे पहले कैमेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने दिखाया कि किस तरह से दो बड़े बड़े गोले उन्होंने लिए और उसको लटका दिया, और जब उनमें फोर्स लगता है, दूसरे गोले के साथ फोर्स लगता है, तो वो नज़दीक आते हैं. फिर से मैं आपको बताता हूँ, एक अगर हमने यहाँ पर ऐसे गोला लटका दिया, इसकी कुछ पोजीशन है यहाँ पर, अब हम इसको इसके नज़दीक एक दूसरा ऐसा बड़ा गोला लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला थोड़ा सा इधर आ जाता है ऐसे. क्यों इधर आया? इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया. यू विल वंडर कि ऐसा होता है क्या? करके देखते हैं, हमको तो नहीं दिखता. बिल्कुल ठीक, हमको नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि हमको दिखता नहीं है. इसका ये मतलब नहीं कि होता नहीं है, इतना कम होता है कि हमारी आंख उसको देख नहीं सकती. माइक्रोस्कोप से देखिए, दिखेगा, बिल्कुल होता है. और यही चीज़ कैमेंडिश ने की. बहुत भारी भारी उसने ये फोर्स लिए और एक की जगह दो लिए, उसका एक एक्सपेरिमेंट बताया, वो मैं अभी आपको स्लाइड दिखाता हूँ. उसमें आप देखेंगे कि जब वो इसको इंट्रोड्यूस करता है तो ये बहुत थोड़ा सा घूमता है. हमने बाद में और ज़्यादा इसको परफेक्ट किया, इस एक्सपेरिमेंट को. कैसे? यहाँ लाइट डाली, ये इतनी दूर से यहाँ लेज़र लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाती है, ये इस पॉइंट पर. अब अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ से खिसकता है तो ये लाइट यहाँ से एक मिलीमीटर इधर आ गई, ये ऐसे. अब ये क्यों आएगी एक मिलीमीटर? ज़रूर ये थोड़ा सा हिला होगा. अगर ये नहीं हिलता तो ये नहीं आती. ये हमको आँख से नहीं दिखा कि ये हिला, पर इस लाइट के रिफ्लेक्शन ने इसको पकड़ लिया कि ये हिला. और ये लाइट हम 10 मीटर दूर से भेजते हैं, 10 मीटर से आती है, 10 मीटर इधर जाती है, और उस 10 मीटर यानि 10,000 मिलीमीटर जाने के बाद वो एक मिलीमीटर इधर खिसकती है, जो कि हमारी आँख को दिखता है. अब हम सोच लेते हैं कि अगर ये एक मिलीमीटर इधर खिसकी है तो ये किधर किधर गया होगा? ज़रूर 0.00001 मिलीमीटर इधर गया होगा, जो कि हमको आँख से नहीं दिखता, लेकिन गया. तो इस एक्सपेरिमेंट को कैमेंडिश ने कैसे सेटअप किया था वो आप इस स्लाइड में देखिए, एंड यू विल कम टू नो इट. उसके बाद हम आते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट. न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटेशन लॉ को सीरियली लिखा. ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ ग्रेविटी के बारे में पहले सोचा, उन्होंने बहुत स्टडी किया. किसको स्टडी किया? उनके पहले जितने फिजिसिस्ट थे, उन सबके नॉलेज को, उन सब ने जो डाटा दिया था उसको स्टडी किया, राइट फ्रॉम कोपरनिकस. ओके, तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट जो पहले वाले थे सबको स्टडी किया, उनके लॉज को स्टडी किया, और उसके लॉज को स्टडी करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला और एक फॉर्मूला बनाया. वो फॉर्मूला क्या था? उनके पहले जो एक साइंटिस्ट थे कुछ 100 साल पहले, वो थे कैपलर्स. तो इन्होंने कैपलर के लॉज को स्टडी किया. कैपलर्स ने सबसे ज़्यादा स्टडी की पूरी ज़िंदगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि प्लैनेट सन के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, स्टार कैसे घूमते हैं, इनका टाइम पीरियड घूमने का कितना होता है, ये सारी स्टडी उन्होंने की. और कैपलर के भी जो सीनियर थे, दैट वाज माइको ब्राहे और समथिंग, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ डाटा कलेक्ट किया और कुछ नहीं किया, कि कौन सा स्टार किस लोकेशन पर कब जाता है. पूरे लाइफ सिर्फ वो डाटा कलेक्ट करते रहे और अपनी डायरियों में लिखते रहे, पूरा कमरा उनका डायरी से भर गया. ओके, तो उनके जो डिसाइपल थे कैपलर, उनके स्टूडेंट, उन्होंने उसके डाटा को स्टडी किया. इतना बड़ा डाटा था कि एक सुपर कंप्यूटर भी उसको स्टडी नहीं कर पाता. कैपलर ने सारी लाइफ उसको स्टडी किया, उन्होंने लॉज बनाए.
those were known as famous Kepler's laws, वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे. उस केपलर लॉ को न्यूटन ने स्टडी किया और उसके बेसिस पे इन्होंने लॉ बनाया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं. सो इट इज़ नॉट दैट इट इज़ ओनली न्यूटन हु मेक द इन्वेंशंस और द डिस्कवरीज. उन्होंने पिछले सब का काम स्टडी किया और उसको एक स्टेप और बढ़ाया, दैट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि ग्रेविटेशन क्या होता है, वी नो दैट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस. अब ये फोर्स कितना होता है उसके लिए न्यूटन्स लॉ है. सो न्यूटन्स लॉ टेल्स अस अबाउट, ओके, ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, जो बढ़े तो फोर्स बढ़ेगा, जो कम होगी तो फोर्स कम हो जाएगा. इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. तो उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है ये इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है. ये दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मास डबल कर दीजिए फोर्स डबल हो जाएगा. इसका मास थ्री टाइम्स करिए फोर्स थ्री टाइम हो जाएगा. इसका मास थ्री टाइम्स करिए ये भी थ्री टाइम्स फोर्स हो जाएगा. लेकिन अगर हमने दोनों का मास थ्री टाइम्स कर दिया तो थ्री एंड थ्री सिक्स, सिक्स टाइम्स हो जाएगा फोर्स. ही सेड नो, फोर्स सिक्स टाइम्स नहीं होगा. रिमेंबर, फोर्स नाइन टाइम्स हो जाएगा. थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री, नॉट थ्री प्लस थ्री. यहाँ पर आपको मार्क करना है, वो कह भी सकते थे कि इसको थ्री टाइम्स किया, इसको फोर टाइम्स किया, तो थ्री एंड फोर सेवन टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो गया. बट ही सेड नो, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेशन दोनों से उन्होंने प्रूफ किया कि ये कैसा होगा. इसको थ्री टाइम्स इंक्रीज करिए, इसको फोर टाइम्स इंक्रीज करिए, दोनों के बीच का फोर्स देखा, ट्वेल्व टाइम्स इंक्रीज हुआ. थ्री और फोर से ट्वेल्व कैसे मिलता है? मल्टीप्लाई करके. तो इनका ये कहना था कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मास के होता है, पर उनके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है. सो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मासेस, एम वन मल्टीप्लाइड बाय एम टू. क्या है ये? प्रोडक्ट. सो फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस. दूसरा, डिस्टेंस. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसको फोर्स लग रहा है F, 20 कर दिया, डबल फोर्स आधा हो गया. इज इट? नो, आधा नहीं हुआ, फोर टाइम्स लेस हो गया. करके देखा, प्रूफ किया, केपलर के नियम से प्रूफ किया, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उससे प्रूफ किया, बाकी स्टार से प्रूफ किया कि जब हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स आधा नहीं होता, वन बाई फोर्थ हो जाता है. अच्छा, तो वन बाई एट्थ क्यों नहीं होता? वो भी उन्होंने प्रूफ किया कि वन बाई एट्थ नहीं होगा, वन बाई फोर्थ ही होगा. यानी अगर हमने डिस्टेंस को थ्री टाइम्स किया तो थ्री टाइम्स लेस नहीं होगा, मनमाना 27 भी नहीं होगा, 3 इंटू थ्री नाइन टाइम्स ही लेस होगा, सिर्फ स्क्वेयर. दिस इज ए फेमस स्क्वेयर इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वेयर लॉ. व्हाट इज दैट? कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी ये चीज को हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्टेंस का स्क्वेयर. अब देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, और ये क्वांटिटी क्या है? फोर्स. तो फोर्स कम होते जाएगा इसके आर के बढ़ने से, और यहाँ पर पावर क्या है? टू. ये उन्होंने प्रूफ किया. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पावर वन नहीं है, ये पावर थ्री नहीं है, ये पावर सिक्स नहीं है, ये पावर टू है. दिस वी हैव टू रिमेंबर. और इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वेयर लॉ. सो अब फोर्स इन पर डिपेंड करता है बस, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का, इन दोनों का मास,
इस पर डिपेंड करता है। ओके, और ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेना है, बॉर्डर टू बॉर्डर नहीं लेना है। ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना, सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस लेना है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि ये जो लॉज हैं न्यूटन के, ये पॉइंट मासेस के लिए होते हैं, तो हमको अच्छे से समझ में आता है। एनीवे, ये हो गया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू m1 m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट न्यूमरेटर में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट डिनोमिनेटर में। ये आ गया। तो f m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है। इन दोनों का जितना मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा उतना फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होता जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने से उसके स्क्वायर के रेशियो में कम होता चला जाएगा। ये है फोर्स। अब ये जो चीज़ है ये हमको कैलकुलेशन नहीं करने देती, ये क्वांटिटी नहीं बताती, सिर्फ रिश्ता बताती है कि m1 m2 से ये बढ़ेगा, r से कम होगा, पर कितना, हाउ मच। उस हाउ मच के लिए हमको इक्वेशन चाहिए जिसमें इक्वल हो। तो यहाँ पर इक्वल के लिए हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? ओके, मैंने आपको बताया कि f इज प्रोपोर्शनेट टू m1 m2। मान लो m1 m2 की वैल्यू है 4, हमने बढ़ा दिया तो m1 m2 की वैल्यू हो गई 8, तो f कितना हो गया, 2f, सॉरी, नया फोर्स कितना आ गया, 8। फिर m1 m2 की वैल्यू हो गई, हम m और m को बढ़ाते जा रहे हैं और m1 m2 की वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो हर बार ये प्रोपोर्शनेट होता है। फिर से इस चीज़ को मैं दूसरी तरह से लेता हूँ। मान लीजिए मास है 2 किलोग्राम, फोर्स है 10, फोर्स है 10, मास है 1 × 2, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। अब इसको हमने 4 कर दिया, राइट। तो ये जो फोर्स है ये हमारा हो गया 20, इसको अब हमने कर दिया 3 और इसको कर दिया 3, तो ये फोर्स हो गया 45। ये भी बढ़ गया, ये कम हो गया, ये 45 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जरूर यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो तीनों में एक जैसी है। कौन सी? देखिए, 5। ये जो चीज़ है ये इक्वल बनाने के काम में आती है, और इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जब भी एक चीज़ बढ़ती है उसके अनुसार दूसरी चीज़ बढ़ती है। जैसे 1 किलो शक्कर कितने में मिलेगी? दुकानदार ने बोला 10 रुपये में, ठीक है। 5 किलो हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, तो उसने बोला कि 5 किलो शक्कर 50 रुपये में, 10 किलो 100 रुपये में, 7 किलो 70 रुपये में। जैसे जैसे हम शुगर को बढ़ाते हैं वो प्राइस उसके अमाउंट को बढ़ाते जाता है। 2 किलो के लिए फॉर 2 kg 20 रुपीस, 3 kg 30 रुपीस, 5 kg 50 रुपीस। दोनों के बीच एक रेशियो है। सो ये दोनों क्वांटिटी, प्राइस और शुगर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कहलाती हैं। दैट इज अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मास, kg। जितने kg शुगर लेनी है उतना ज़्यादा अमाउंट लगेगा, लेकिन कितना, कितना के लिए हमको इक्वल चाहिए। और आप देख रहे हैं इस चीज़ में यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन आएगा। कौन सा मल्टीप्लिकेशन आएगा? और ये है रेट, प्राइस। जैसे हमने कहा 3 किलो, उसने कहा 30, हमने कहा 5 किलो, उसने कहा 50,
हमने कहा 7 किलो, उसने कहा 70। कांस्टेंट क्या चल रहा है? यू आर मेकिंग आउट, यस। कांस्टेंट कौन है? 10 रुपीज़ पर केजी, दैट इज कांस्टेंट। ये तो जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हमको एक फिगर चाहिए, तीसरा फिगर, जो कि हर एक में कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये मैं आपको इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ बिकॉज ऑल थ्रू द फिजिक्स ये चीज़ हमको आएगी कि जब भी कोई दो चीज़ें एक जैसी बढ़ती हैं या कम होती हैं तो दोनों के बीच में एक कांस्टेंट होता है, जैसे अमाउंट ऑफ शुगर का मास और शुगर का अमाउंट, 3 किलो का 30 रुपये और 7 किलो का 70 रुपये, क्या रिलेशन है इनमें? तो हमको मालूम है इनके बीच का रिलेशन 10 रुपया पर केजी, वो कांस्टेंट है। इसी तरह से दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेट होती हैं तो बीच में एक कांस्टेंट होता है, तब हमको उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मिलता है जिस फॉर्मूले में इक्वल होगा। अब उसी चीज़ को हमने यहाँ अप्लाई किया, देखिए, सो इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 upon r square, तो फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, और चूंकि ये ग्रेविटेशन का चैप्टर है वी राइट इट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और फिर इसको m1 m2 upon r square। ये वो चीज़ है जो काम हमारा कौन कर रहा था? शुगर का रेट, जो कि हर समय कैसा रहता है? कांस्टेंट। अब देखिए, प्रोपोर्शनेट को इक्वल हमेशा एक कांस्टेंट लिखा जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन, एफ इज प्रोपोर्शनेट टू एम वन एम टू, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू आर स्क्वायर, एंड इफ यू वांट एन इक्वल देन देर हैज टू बी ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिटवीन द टू। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, दिस वी विल स्टडी in the next lecture. Thank you.